मुक्तेश्वर से हमारे सभी व्यूअर्स को प्यार भरी राम राम। राम राम। सुबह मुक्तेश्वर में काफी अच्छी धूप खिल गई है और आज हम लोग उठे भी लेट हैं और आज नाश्ते की तैयारी हो रही है अभी सुबह सुबह, उसके बाद काम शुरू करेंगे। एक काम ये भी करना है सुबह सुबह कि लौकी तोड़नी है हमने, हमारी दो लौकी काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनको तोड़ेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे नाश्ता। रश्मि ने भी पूजा अपनी खत्म कर दी है, ये तो खैर मेरे से पहले उठ गई थी। जय हो। आज का नाश्ता हमारा कुछ खास होने वाला है और वो रश्मि ने एक नई रेसिपी देखी है, हम भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और शायद ये ऐसी चीज है कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि ये भी बनती है, और ब्रेकफास्ट में बनेगी वो और रश्मि करेगी उसकी तैयारी अभी, और कैसे बनाएगी ये देखते हैं। जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, सब कुछ हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी जब हम बनाएंगे तो कईयों के कमेंट्स आ सकते हैं उसमें कि ये चीज वेस्ट हुई, उसमें वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा। जब आप उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कुछ भी उसका वेस्ट नहीं किया है। और एक चीज और है कि हम जो आज डिश बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे पुराने स्टाइल वाली अंगीठी में, जो कि हमने तैयार करी है। हमने क्या, विनोद जी ने तैयार करी है रश्मि की हेल्प से। ये अंगीठी जो हम दिल्ली से लाए थे वो हमने रेडी किया और फर्स्ट टाइम इसको जलाएंगे हम। अभी तो ये कच्चे कोयलों में जलने वाली है, उसके बाद हम लाएंगे वो पक्का कोयला जो होता है ना, पहले जलाते थे लोग वो, क्योंकि उसको एक बार जला दो तो वो 2-3 घंटे तक सुलगती रहती है, जलती रहती है। तो आउटडोर के लिए तो बहुत अच्छी है, अंदर यूज नहीं करना चाहिए वो कोल, लेकिन बाहर तो बहुत अच्छा है वो। और ऐसे ठंडे मौसम में ना उसके पास बैठ जाओ जैसे पुराने जमाने में बैठते थे, बिल्कुल उसके पास बैठ के खाओ, उसका मजा ही दूसरा होता है। और हम, आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा, हमने तंदूर पे भी बनाई है रोटियां, उस चूल्हे पे भी बनाई है, तो आज हम अंगीठी पे बनाने जा रहे हैं। तो एक अलग अलग एक्सपीरियंस हम लोग लेते रहते हैं पुरानी चीजों का, मजा आता है पुरानी चीजों को करने में, उनको दोबारा से उस लाइफ को जीने में बहुत ही आनंद आता है। और खास तौर से जब ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट हो आपके आसपास तो आपको कुछ करने का दिल करता है, कुछ अलग से करने का दिल करता है। और अब सबसे पहले हम तोड़ेंगे अपनी दो लौकी जो लगी हुई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक लौकी तो ये लगी है और एक लौकी वो आगे अगर आपको दिख रही हो तो, अभी तोड़ेंगे तो फिर आपको दिखेगी। ये देखिए ये छोटी छोटी लौकी तो बहुत ही सारी आई हुई है, उधर भी आ रखी हैं। तो चलिए तोड़ते हैं लौकी। चलो भाई ये देखो कितनी लंबी है लौकी, ये मेरी पूरी 2 गिट है लौकी की। और इसको कर लेते हैं कट, पकड़ के ध्यान से नीचे ना गिरे। ये क्या आ रहा है बीच में, यहां से कर लो ना। जय सियाराम। ये मस्त सी लौकी, एक लौकी तो ऊपर से टूट गई थी और एक नीचे से चढ़ के तोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा बालकनी से दूर है, वो लगी है लौकी। ये आ गई है, नहीं कटर है मेरे पास, मेरे हाथ में आ गई लौकी, घुमा के तो नहीं तोड़नी। तोड़ लूं? जय सियाराम। एक दो तीन, ये आ गया एक और मस्त मस्त लौकी। हाँ रख देंगे दोस्तों, ये मस्त मस्त 2 लौकी हमने तोड़ ली और बिल्कुल ग्रीन है, कच्ची और लगभग 1-1 केजी की तो है ये, लेकिन जैसे होती है ना पीली हो जाती हैं, ये बिल्कुल ग्रीन है, इसका मतलब बिल्कुल कच्ची है। और छिलके में मैंने मारा था नाखून तो बिल्कुल सॉफ्ट है, मेन इसकी पहचान करने के लिए ना कि पकी तो नहीं है, मैंने कहा 1-1 केजी की होगी इतनी बड़ी बड़ी तो कहीं पक तो नहीं गई है। लो लो जी मैडम, भेंट स्वरूप सुबह की भेंट, मॉर्निंग टाइम की गिफ्ट आपके लिए। फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी घिया हमारे इसमें, बिल्कुल है ना, लास्ट ईयर तो हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए थे। ये देखो ना इसके फेस से कहाँ तक जा रही है ये। मेरा फेस तो पूरा सिर भी क्रॉस कर रही है। इससे आइडिया लगाने के लिए मैंने बताया कि कितनी बड़ी है ये। चलो ठीक है, आती उसको रखती हूँ। अब इसकी डिश भी सोचनी पड़ेगी आपको कि क्या बनानी है। देखो नाश्ते की सारी जो है तैयारी शुरू हो गई है, सारा नाश्ते का सामान लेके आ रही है रश्मि।
तैयारी तो करके रखी हुई है, चॉपिंग वॉपिंग जो भी चीज चाहिए। और इधर जो लहसुन लगाए थे रश्मि ने, वो थोड़े थोड़े फूटने शुरू हो गए हैं। ये हम अपने घर के पास ही लगाते हैं ऐसी चीजें, लहसुन मिर्च धनिया, ताकि यूज करने में इजी हो, नीचे ना जाना पड़े। खाना बनाते समय फटाफट आए किचन से और यहाँ से तोड़ा और यूज कर लिया। और लहसुन का तो बहुत ही यूज होता है, लहसुन की जो भूखे होती हैं उनको तो आप सर्दियों में इतना यूज है ना, पराठों में डाल लो, चटनी बना लो, सब्जी में डाल लो, और बिल्कुल लहसुन जैसी ही खुशबू आती है उसमें। पराठे में तो बहुत ही अलग टेस्ट आता है इसका। ये देखो सामान सारा ढोना शुरू कर दिया मैडम ने, मैं भी लाता हूँ कुछ। अभी सबसे बड़ा जो काम है मेहनत का, वो है अंगीठी जलाना। अंगीठी जलाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये मजा आ रहा है काम करने में। ऐसा मिल क्या ये? नहीं ये वो है, चाय का पानी है ना। ओ सारी तैयारी कर ली, अचार भी ले लेना। बाहर ये देखो ये रखे हैं यहाँ पे घीये, और वो दो खीरे जिनकी बनेंगी वड़ियाँ, वो भी आपको दिखाएंगे। लो जी अंगीठी, ये लकड़ी इसमें लगाएगी ना। ये नीचे से लगा दो, नीचे से लगा दो, और नीचे से जलेगी नहीं इतनी जल्दी। नीचे तो वो लाना था थोड़ा आग जलाने के लिए। तेल की इधर शीशी पड़ी है उधर उसके किचन के पास, देखो पीछे। थोड़ा सा ऑयल हो ना तो एक कागज में रख के उससे फटाफट जल जाएगा। ये घी से टाइम लगेगा। अरे डिप क्या, वो इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लेना किसी कागज में, इसके ऊपर वैसे मिट्टी फेंक दे, इसमें थोड़ी तेल डाल देंगे सूखी मिट्टी। जलाने के पुराने तरीके ढूंढ रहे हैं हम। देखियो हाथ कटता है इसमें बहुत तेज है। बस इसमें ऑयल डाल दो, नीचे से आग लगाएंगे इसको और लकड़ियां ऊपर जलेंगी, उसके ऊपर डाल देंगे कोयले। ये पुराने जमाने की सारी चीजें जो है ना हमने रखी हुई हैं। अंगीठी की कमी थी वो हमने बना ली। जलाओ आप, ये कच्चे कोयले हैं, देख के एकदम पकड़ता है। जल गई। इसमें धुआं तो निकलता ही है। वानी याद है नहीं, पुराने हम जलाते थे हमारी मम्मी मम्मी तो खूब धुआं निकलता था। ये सूखी है ना लकड़ियां, तो इतने भी भग गए तो ऊपर से फिर और डल जाएंगे। पहले चाय बनाएंगे ना, तब तक फिर आप चाय बना। मैं हैंड वॉश कर लूं कोयले वाले। बस अब वेट हो रहा है अंगीठी जल जाए, इतना छोटा मोटा जो काम हो रहा है वो कर लेंगे, तब तक अंगीठी भग जाएगी हमारी। बिल्कुल पुराने स्टाइल में, जैसे नीचे हमने लकड़ियां लगाई हैं ऊपर डाले हैं कोयले। रश्मि का स्टार्ट हो गया है काम, और अब ये सीक्रेट भी खोल दो कि क्या बनाने जा रहे हो। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे के पराठे। खीरे के पराठे, मेरे को तो बता दिया था रश्मि ने, मैं एक बार हैरान भी हुआ था कि क्या बोल रही है, कह रही है, लेकिन मैंने देखी रेसिपी कहीं पे। हाँ रेसिपी देखी है मैंने, और पहाड़ों में आजकल इतना ज़्यादा खीरा है ना, और सबके घरों में, तो इसलिए उसका यूज़ किस तरीके से करें, वेस्ट करना तो अच्छा नहीं लगता। अगर उसका नई नई डिश बन सकती है तो बनानी चाहिए। हो सकता है कई लोग हमारी वीडियोस को देखें, हाँ, वो लोग भी बनाएं। बिल्कुल। कुछ काम ऐसा जो मैं कर दूँ। हाँ लो ना, घिया कस करो आप।
तो आप क्या करोगे तब तक? मैं थोड़ा उधर से आटा उटा लेके आती हूँ ना, ये पड़ा हुआ सब सामान। आटा गूंद लो आप। तो आटा ये इसका पानी निकलेगा तभी तो। ओके अच्छा इसका पानी भी है उसमें? वेस्ट नहीं करना ना इसका पानी, इसको मैं निचोड़ूंगी अभी। अच्छा। क्योंकि गीला करूंगी फिर तो बिल्कुल वैसे बन जाएंगे, परांठे नहीं बन पाएंगे अच्छी तरह। इसको निचोड़ के तो इसका इसमें छाननी में छानेंगे। बढ़िया। और उसका जो पानी निकलेगा उसको हम उसी से हम आटा गूंद देंगे। भाई दोस्तों पहली बार बना रहे हैं हम भी, ये कैसे बनेंगे देखते हैं। और ये पहाड़ी ककड़ी है, पहाड़ी खीरा। आप इसको करो मुझे लकड़ी आगे करते हैं। हाँ वो अभी भकने लग जाएगी। अंगीठी जैसे पुराने जमाने में भी ऐसे ही करते थे, सबसे पहले अंगीठी लगा देते थे। हाँ। और उसको लगभग आधा घंटा लगता है भकने में, तो हमने भी वही किया है। अच्छी तरह से वो कर लेंगे ना, छान लेंगे। नहीं कपड़े से किस लिए छानना है, इसमें ही छाननी में हो जाएगा है? अच्छा ज्यादा पानी निकालना है। अच्छा 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 अच्छा, ताकि जो बीच में फिलिंग करेंगे उससे गले ना आटा। गले ना। वो नहीं तो फिर आटा क्या होगा कि ढीला ढीला सा वो बनेगा मटेरियल अंदर का जो भी होगा। तो वो मजा आ रहा है जैसे पुराने जमाने में गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते नहीं थे हम वैसा लग रहा है। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा आपका पानी मिलेगा तब? हाँ तब मैं आटा गूंदूंगी। हल्का सा नमक इसमें डाल लेना। डालूंगी उसमें आटा गूंदते हुए ना। हाँ थोड़ा उसमें डालूंगी। वैसे पता है आपको ये जो खीरे का जो पानी होता है ना, ये तो पहाड़ों में पीते हैं, पेट के लिए अच्छा होता है। पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको कब्ज वगैरह होती है ना, वो इसका अगर रेगुलर पानी पिए थोड़े दिन तो पेट उनका बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। अंगीठी भी पहली बार जल रही है हमारी, देखो पहाड़ों में। पहाड़ों में? हाँ नहीं पहले जली है, लेकिन बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे, जब से मतलब हम लोग यंग हुए, अब तो हम बुजुर्ग हो गए तो तब से नहीं जली अंगीठी। हाँ। पहले जलती थी, हमने तो वो भी टाइम देखा है जब लाइट नहीं थी। सही बात है। हमारे घरों में लाइट आई थी तब हम पढ़ते थे, शुरू शुरू में तो बहुत छोटे थे जब हम लाइट नहीं थी, बाद में आ गई थी लाइट। ये जो है ना ये गया इसके अंदर, देख लेना ज्यादा भी ना। नहीं नहीं आटा और ले लेंगे तो हटा दूंगी। अंगीठी भी हमारी रेडी होने वाली है, बस नीचे से और आगे कर दो, इसको भक्त रहे हैं कोयले थोड़े। और इन खूबसूरत वादियों में बैठ के ये सब करने का तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कितना मजा आता है। एक्सपीरियंस ही अलग होता है। ये वाला पानी जरा इसमें डाल दो। कम पड़ रहा है? नहीं नहीं अभी तो इसको और निचोड़ना है, मैं तो इसलिए कि मैं निचोड़ दूंगा इसको। इस बनेगा ना। हाँ ये लो वो लाना, उसी में निचोड़ दूंगे। हेलो ये फिलिंग के काम आएगा निचोड़ा हुआ। और इसका जो पानी है वो भी यूटिलाइज हो गया। नहीं मैं भी गूंद के देख लूँ ना कहीं। हाँ ज्यादा ना हो जाए वो तो कोई नहीं, फिर आटा दूंगी वो कर लेंगे। बस 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 अब नहीं चाहिए, बस बस अब नहीं चाहिए। इसको वैसे निचोड़ दूंगा ना। उसको निचोड़ दो, कप में डाल दो, मैं पी लूंगी। उसको वेस्ट नहीं करेगी बिल्कुल भी? नहीं वेस्ट होना ही नहीं चाहिए, मीठा होता है कोई, वो तो है नहीं कि कड़वा या कुछ इस तरीके से होता है। ऑर्गेनिक खीरा और उसका हो रहा है देसी इस्तेमाल। बिल्कुल बढ़िया सा। दोस्तों अंगीठी हो गई है हमारी रेडी बिल्कुल, इसको रख लेंगे हम यहाँ और यहाँ पे होगी सारी कुकिंग। ये नीचे अभी धुआं आ रहा है, ये वाली लकड़ी है ना, चिमटा लाना जरा। ये नीचे जो लकड़ी जलाई थी ना वो धुआं कर रही है, कच्चे कोयले का तो नहीं है। ये किस में रखना है? चाय का पानी चढ़ गया अंगीठी के ऊपर और अभी इसमें डालते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स बढ़िया से। इसमें थोड़ा सा ना वो डाल लेना, ये अश्वगंधा फ्रेश तोड़ लेना। हाँ फ्रेश पत्ता डालो तोड़ के। रोजमेरी भी डाल दो? रोजमेरी डाल दो एक आधा।
बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ले रही। ये रश्मि ने तो अपना नियम बना लिया, डेली अश्वगंधा, रोजमेरी और क्या डालती है, कड़ी पत्ता, लेमन ग्रास। ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है और गैस्ट्रिक वगैरह के लिए बहुत सही रहता है। चलो जी करते हैं। अरे यार धूप में बैठे हैं, इसको जैकेट को उतार देते हैं ना, क्योंकि सन बाथ लेना है तो फिर इतने सारे कपड़े पहन के तो फायदा नहीं है। चाय पत्ती डालूं? हाँ हाँ डाल, उबलेगी ना वो। ये देखो खीरे का पानी जो है पीने लगी है, कप में डाल दिया मैंने, पी लूंगी। वाह कुछ कुछ गर्म तो होने लगा। ये जाएगी इसमें चाय पत्ती, अश्वगंधा और वो तो चला गया ना इसमें। बहुत से व्यूअर्स कहेंगे कि ये क्या नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन इसका बताएंगे आपको, हेल्थ वाइज तो बहुत ही बेनिफिट्स हैं और टेस्ट वाइज कैसा है वो भी आपको बताएंगे। अभी अब ज्यादा टाइम नहीं है, 5-7 मिनट में अपना रेडी हो जाएंगे। चाय बनी और ऊपर तवा रखना हमने। ये लो आपका मीठा अचार। जी नींबू का अचार भी आ गया। ये आ गया हमारा खीरा, खीरा कस किया हुआ। ये इसमें चलेगी हमारे प्याज, ये इसमें चलेगी हमारी हरी मिर्च। हम इसमें डालेंगे नमक, नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने आटे में भी डाला हुआ, लेकिन इतना कम भी नहीं डालेंगे कि टेस्ट ना आए। और साथ में डलेगा हमारा घर का पिसा हुआ गरम मसाला। ये मिक्सचर तैयार हो गया हमारा। ज्यादा पानी तो नहीं छोड़ा, सही नहीं, है अपने सही निचोड़ दिया, बढ़िया सा। मेरे से निचोड़ता नहीं ना उतना बढ़िया। भुट्टे भून रही है। मांग के लाऊंगी, भुट्टा भी भूनेंगे आज। अरे हाँ मांग लाऊंगी, आज तो कच्चे कोयले जले हुए। देखो जी चाय अपनी मस्त बॉयल हो गई और खुशबू ऐसी जबरदस्त आ रही है। और शुगर की जगह रश्मि यूज करती है शक्कर। अब तो नई शक्कर आ जाएगी, थोड़ा लाइट कलर की होती है, ये डार्क है ना, लाए हम इस बारी। थोड़ा सा अच्छे से बॉयल होने तो मस्त वाली बननी चाहिए, कड़क। हाँ तो कड़क तो बनेगी। तो जी चाय तो हो गई है अपनी रेडी, क्या खुशबू है। ये अच्छा गया कैटल ले आई आराम से, क्योंकि तेरे को अब गर्म नहीं करनी पड़ेगी। लो जी काफी मेहनत के बाद अब वो टाइम आ गया जबकि हमें खीरे के पराठे मिलेंगे खाने को। ये भी रख दिया ऊपर, घी पिघल जाएगा। अल्टीमेट एक्सपीरियंस। घर जाके बच्चों को भी एक बार खिलाएंगे। जहाँ पे फट जा रहा है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा ये मॉइस्चर ज्यादा है, उस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया करो। खूब फीलिंग भी तो भर के करती है इतनी। नहीं वो देखो बिगार फीलिंग है ना, पराठे का मजा नहीं आता। तेरी पूरी आ जाएगी ना? अरे बहुत है, एक्स्ट्रा है, खाना आराम से। लेट हो गया नाश्ता, आराम से खाओ। अचार वचार सब कर लो इकट्ठा यार। नहीं मक्खन भी तो है। फर्स्ट क्लास से एक चल रहा है। इतना टाइम बाद खा रहे हो आप अंगीठी वाली रोटी। रश्मि के राज में, रश्मि के राज में तो बहुत मौज करी है भाई हमने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये लो भाई प्लेट और मस्त वाली चाय, कप है। हाँ सब कुछ है। ये लो, ये लो। देखो दोस्तों क्या जबरदस्त पराठा बना है अंगीठी का। सारी चीज लेंगे धीरे धीरे। स्पून हाँ लाइए,
कैंपिंग का ये फायदा है कि सारी चीजों का दिमाग में रहता है, अदरवाइज किचन को पूरा बाहर लेके आना ये थोड़ा सा मुश्किल, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क होती है और उसमें कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अभी तक कुछ खास भूले नहीं है हम लोग। अभी भूली थी ना एक चीज, भूली थी ना वो शुरू में ही, वो तो अभी काम शुरू कहाँ हुआ था, भूली कहाँ मतलब वो रिमाइंड करके आपने ले लिया, लेकिन जब हम बैठे हैं कुकिंग के लिए उसके बाद तो सब चीज रेडी है। मक्खन लेंगे थोड़ा सा, मक्खन के लिए भी है चम्मच, एक और लाइए। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे वो क्विज का जवाब देते हैं से, हाँ ये है, हाँ ये भी है, रेडी है, सब कुछ रेडी है भाई। मजा आ गया भाई, गर्मा गर्म लेते हैं चाय और चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं, चूं चूं वो भी खाना मांग रही हैं। सुबह डाला था, दे दिया खाना तो दे दिया सुबह का। चीयर्स। अब जरा टेस्ट करके बताओ। अरे रुको अभी ठंडा तो होने दो, एक्सपीरियंस कैसा रहा? टेस्ट पूछने के चक्कर में मेरा मुंह जला दोगे? फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ये देखो जी, ये लग गई है थाली मस्त वाली। अब देते हैं अपना फर्स्ट बाइट का रिव्यू और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा, अच्छी लगेगी तो बोलूंगा और अच्छी नहीं लगी तो कह दूंगा भैया मेरे को मक्की का बना दे। नहीं बिल्कुल जेन्युइन ही देना चाहिए, ऐसा खाली वो उसका कोई फायदा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जो इसको बनाने का वो देखो तो लग रहा है कि मस्त चीजें डली हुई है सारी, तो टेस्ट भी मस्त ही आने वाला है। हम घी के भी तो खाते हैं ना परांठे? हाँ घी के खाते हैं, टिंडे के खाते हैं हम। फिर उसमें और इसमें क्या वो है, और जब इतने प्यार से बनी हुई हो चीज मस्त है, जस्ट लाइक घी का पराठा ही है। हाँ, तो और बहुत टेस्टी है, पूरे 10 नंबर रश्मि को, 10 out of 10। अब इतनी ककड़ी हमारे यहाँ लगती है, अब डेली बना करेंगे ककड़ी के पराठे। सही बात भाई, पास हो गई तू। और जो अंगीठी पे खा रहे हैं ना, हल्का स्मोकी फ्लेवर आता है इसमें। हाँ। क्योंकि नीचे जो कच्चे कोयले का फ्लेवर है ना वो भी आता रोटी में। और ऐसे आराम से बैठ के उसका खाने का मजा ही कुछ और होता है। जिंदगी सफल हो गई यहाँ पे आके यार। मतलब वो कहते हैं सही, भगवान की शरण में जैसे आके आदमी खुश रहता है ना। हाँ। भोले शंकर की नगरी में ऐसे आके हम पूरा मतलब एंजॉय भी कर रहे हैं और मन में एक खुशी भी रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भाग दौड़ नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से लगे हुए अपना। किसी की कोई जल्दी नहीं थी, काम कर रहे थे, थोड़ा लेट हो गया नाश्ता तो भी कोई बात नहीं, कोई ना मतलब कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है कि नहीं जी हमें तो फटाफट करना है ऐसा कुछ नहीं। सेक तो बतेरा होता है, बहुत है। एक और ले लेना। हाँ नहीं नहीं दो ही बहुत है, बहुत हैवी है। तो 10 बज चुके हैं, एक बना के रख देना। हाँ। चाय के साथ खा लेंगे ना। हाँ, ये तो इवनिंग टी के साथ। इवनिंग टी के साथ रश्मि का भी रिव्यू ले लेते हैं। कैसा लगा? अल्टीमेट है। जैसे घी का बनाते हैं ना, है उसी की तरह, लेकिन पहली बार है कि हमने खीरे का पराठा ट्राई किया और सक्सेस हुआ उसमें। अपना तो अच्छा करारे कर रखे है तूने। मजा आ गया भाई। दोस्तों हमें खीरे के पराठे बनाने और खाने में बहुत मज़ा आया। आपको खीरे के पराठे कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार खीरे के पराठों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें विश्वास है आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में मुक्तेश्वर से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।